नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर से आज हर एक बदमाश और सफेद पोश बाहुबली नेता डर के मारे थर्रा रहा है। जिन बदमाशों ने पुरानी सत्ता के सहारे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उत्पात मचा रखा था, आज वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और बाहर योगी का बुलडोजर उनके अतिक्रमणों और अवैध निर्माणों को नेस्तनाबूद कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जो इन बाहुबली नेताओं और बदमाशों के लिए एक सबक बनेगी। बता दें कि आगरा की जेल में बंद निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर पर्यटक थाना का निर्माण किया जाएगा। बता दें, जमीन को छुड़ाने के बाद प्रशासन ने जमीन पुलिस विभाग को सौंप दी थी। इस बात की जानकारी बदोही के जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने दी है। दरअसल बदोही के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से हर जिले में पर्यटक की सुविधाओं के लिए एक पर्यटक थाना बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें काशी, मिर्जापुर, बदोही और प्रयागराज जिले के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बीच में पड़ने वाला उंज थाना के नवधन क्षेत्र का यह स्थल सबसे उपयुक्त होगा, जहां से चारों जिलों के पर्यटकों को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। सावन में कांवड़ियों की ओर से जलाभिषेक के लिए भी यह हाईवे काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 6000 वर्ग मीटर भूमि में यहाँ एक थाना भवन के साथ ही पर्यटक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के आवास के लिए एक कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही एक सरकारी पर्यटक अतिथि गृह भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2000 वर्ग मीटर के बाहरी क्षेत्र में पार्किंग एरिया भी होगा। इसी के साथ जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लगभग 8000 वर्ग मीटर की इस सरकारी भूमि पर ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा ने कई साल से परशुराम मंदिर का बोर्ड लगाकर चार दीवारी के घेरा कर कब्जा कर रखा था। इसकी शिकायत बीजेपी विधायक रविन्द्र नाथ त्रिपाठी ने की थी, जिसकी जाँच तहसील प्रशासन से कराई गई और जाँच में उक्त भूमि को विजय मिश्रा का कब्जा बताया गया, जिसके बाद 18 दिसंबर 2020 को बुलडोजर से ध्वस्त कर शासन ने अपने कब्जे में ले ली। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके ऊपर 5,70,000 रुपए का जुर्माना भरने का नोटिस भी दिया गया। विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे पर उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी के चल अचल संपत्ति सहित कई अन्य मामले पर 4 अगस्त को दर्ज हुए मामले में विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से पुलिस ने 14 अगस्त को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वह आगरा जेल में बंद है। जबकि उनकी विधान परिषद सदस्य पत्नी रामलली मिश्रा उच्च न्यायालय के सशर्त जमानत पे है और बेटा विष्णु मिश्रा इस वक्त फरार है। पुलिस ने विष्णु की गिरफ्तारी के लिए भी लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। तो इसी के साथ एक के बाद एक ऐसी कार्रवाई को देखते हुए अब यूपी की जनता को यकीन होने लगा है कि चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश को अपराध और अपराधी मुक्त राज्य बनाने के वादे को योगी जी पूरा करके रहेंगे। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।